सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय बजरंगबली। मित्रों, हनुमान जी कलयुग के जीवन देवता हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि कलयुग पर भी वो पृथ्वी पर ही विराजित रहेंगे। इस कारण आप देखेंगे हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, हनुमान जी का मंदिर सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो कोई भी हनुमान जी की पूजा करता है, जो कोई भी हनुमान जी का भक्त होता है, उस पे शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। शनि की ढैया और सारे साथी का कोई भी प्रभाव उस पे नहीं होता है। चाहे शनि उनकी कुंडली में कितना भी बुरा दृष्टि डाले, लेकिन हनुमान जी के भक्त का शनिदेव कुछ भी अहित नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी की पूजा पाठ का कुछ खास तरीका बताने वाला हूँ, जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार है। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो भी हमारे शास्त्र में लिखा है जिस प्रकार से पूजा करने के लिए, वही मैं बता रहा हूँ। आप भी अगर इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी की कृपा आप पे बन जाएगी और आपका शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चाहे कुंडली में कितना भी शनिदेव बुरी स्थिति में रहे, और साथ ही बुद्धि बल विद्या और धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए हमें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी लिखें। हनुमान जी का नाम लिखने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उल्टा आपको इसका फायदा ही मिलेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सुबह सुबह उठकर लाल धोती या फिर लाल रंग का कपड़ा पहन लें। अगर लाल रंग का धोती आपके पास उपलब्ध हो तो ये सबसे उत्तम होता है। और हनुमान जी की फोटो या फिर कहीं हनुमान जी का मंदिर है तो उनके मूर्ति के सामने बैठ जाएं। अब बैठना कैसे है आपको, बैठना है आपको उन्हीं आसन पर। कभी भी जमीन पर बैठ के पूजा नहीं करते, कुछ न कुछ आसन जरूर रखना चाहिए। तो आपको बैठना है उन्हीं आसन पर। उन्हीं आसन आपको आसानी से किसी पूजा के दुकान में मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप उन्हीं आसन खरीद सकते हैं। उन्हीं आसन पर बैठकर सबसे पहले हनुमान जी के सामने गाय के शुद्ध घी का दिया जलाएं। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। हनुमान चालीसा का एक संपूर्ण पाठ कर लें और इस बात का ध्यान रखें कि किसी प्रकार से उच्चारण में गलती ना हो। और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिना नहाए कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाने के बाद आपको तुलसी की माला से 108 बार भगवान श्री राम का जाप करना है। बस इस तरह से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करके आपको 108 बार जाप करना है, वही हनुमान जी के सामने बैठे हुए। जो कोई भी राम भगवान की पूजा करता है तो हनुमान जी की कृपा उन पे अपने आप ही बन जाती है। तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद श्री राम का 108 बार जाप। ये तो हो गई हनुमान चालीसा का पाठ और श्री राम के जाप की पूरी विधि। जाप करने से पहले आप हनुमान जी की विधिवत पूजा तो कर ही लेंगे, इस कारण मैंने ये नहीं बताया आपको। अब जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे होते हैं। जो कोई व्यक्ति भी हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता है, ऐसा नहीं कि मंगलवार को, रोज पाठ करता है, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। इच्छा शक्ति मतलब कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है, काम करने में उनका मन लगता है, पूरे जोशीले अंदाज में वो अपना काम करते हैं। अगर कोई पूरे जोशीले अंदाज में अपना काम करे और उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल हो कि बिल्कुल मुझे करना ही करना है, और हनुमान जी की कृपा उन पे हो, तो आप ही सोचिए उसे सफल होने से कौन रोक सकता है। दूसरा फायदा है इसका मित्रों, जिस घर में भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ निगेटिव एनर्जी नहीं पटक पाती है। निगेटिव एनर्जी अर्थात जो आपको पॉजिटिव कार्य करने से रोकती है हमेशा, आलस्य वगैरह वहाँ भटक नहीं पाता है, किसी की नजर उस घर पे नहीं लगती है। धन संतान नौकरी बीमारी आदि समस्याओं का समाधान भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से हो जाता है। जो कोई व्यक्ति भी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है जीवन में उसे सभी प्रकार का सुख मिलता है। तो मित्रों ये था हनुमान चालीसा का पाठ करने का संपूर्ण विधि। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट अनुष्ठान बताऊंगा आपको, जो कि हनुमान जी से संबंधित है। हनुमान जी की एक खास विशेष तरीके से पूजा करनी है आपको, जिससे कि आपके कोई भी कार्य, एक निश्चित कार्य आपको सोच के रखना होगा और वो कार्य सोचकर आपको उस प्रकार का अनुष्ठान करना होगा, आपके कार्य निश्चित तौर पे सफल होंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। जय हनुमान।